जी हाँ, ये एक फिल्म स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं। इस स्टूडियो में न जाने कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनती रहेंगी, लेकिन ये स्टूडियो नहीं बदला और ना ही यहाँ का माहौल बदलता है। सब कुछ वही है, सिर्फ पिक्चरें बदलती रहती हैं यहाँ और पिक्चर बनाने वाले बदलते रहते हैं। एक जमाना था जबकि ये भी यहाँ पिक्चरें बनाया करते थे। Oh,
अच्छा आज 9 बजने में दूसरी टर्न में सिन्हा साहब इधर से गुजर रहा है। आज सट्टे में नंबर 2 खुलत मांगता है। छी 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 माय बैड बॉय। लाजवाब धुन बनाई है साहब, सेठ जी ने सुनते ही चुन ली, उस मौके के लिए बनाई है जबकि जनाबे देवदास इंतकाल फरमाने बैलगाड़ी में तशरीफ ले जा रहे हैं। ये क्यों सुनाइए? जो हुक्म महले पे दहला रख दिया है साहब, जितनी हौले हौले बैलगाड़ी की चाल होगी उतना ही हौले हौले वैसे ही मेरे धुन की चाल भी होगी। हौले हौले आप हौले हौले भूमिका ने बांधी, धुन सुनाई। जो हुक्म, धुन के कुछ बोल थे नहीं इसलिए मैंने ही कुछ उल्टे सीधे वो जी। जो हुक्म। नहीं 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 कांता डियर, सुरेश कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और फिर तुम ये क्यों भूल रही हो, तुम पारू का रोल कर रही हो देवदास की हीरोइन का, क्या ये काफी नहीं है? काफी? अरे बिल्कुल काफी सुरेश साहब, 100% काफी। ओ शट अप, बी सेंसिबल बुड्ढू। इस रोल में सेना साहब सिल्क की साड़ी नहीं देंगे, बहू में पेंसिल नहीं, बालों में लहर नहीं, लच्छे तक नहीं बुड्ढू, लच्छे तक नहीं। तेल में मुंशी जी, तब मैं हीरोइन नजर आऊंगी या चुड़ैल? जी बात एक ही है। जी क्या कह रहे थे आप? जी सिर्फ इतना, कांता को पारो करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह नो, आई डिडंट से दैट। मेरा मतलब था इस कैरेक्टर को थोड़ा फड़कीला बना दीजिए प्लीज, मेरी खातिर। कैरेक्टर के हिसाब से आपको बदलना होगा, आपके लिए कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। ज्यादा ना सही, इधर एक ब्यूटी स्पॉट और बारह में बस एक दो लच्छे। एक लच्छा भी नहीं, मांग भी तो चीज निकालने नहीं दोगे? एकदम सीधी। देन आई एम सॉरी, मैं इस पिक्चर में काम नहीं करूंगी। थैंक यू। यहाँ तुम जाती कर रहे हो सुरेश, मांग तिरछी हो सकती है। तिरछी? जी। अगर मांग तिरछी रखनी है तो फिर पिक्चर भी किसी और से बनवा लीजिए। क्या 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 क्या? मांग सीधी ही रहेगी कांता। ओ बुड्ढू। मुझे बड़ा दुख है डियर, लेकिन मांग सीधी ही रहेगी। रात भर मेहमान है बहारे यहाँ, रात गई घर गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। रात भर मेहमान है बहारे यहाँ, रात गई घर गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं। कब आया तुम्हें अभी? डैडी तू ना
एक काम करो, यहाँ के अजायब घर में मुझे बंद कर दो ताकि सहेलियां तुम्हारे डैडी को जी भर के देख। मम्मी did I really call him daddy? It's a birthright, ma'am. Girls, get along with your games. Come on. Mommy, तुम भी जाओ। मम्मी भी? क्यों? I'm sorry, आप मम्मी से नहीं मिलने को सकते। उसकी माँ के ऑर्डर है। लेकिन ये मेरी बेटी भी तो है। पर आप उसके गार्डियन नहीं हैं। माँ उसको हमारे स्कूल में डाला। माँ के ऑर्डर हम तोड़ नहीं सकते। Come, मम्मी, excuse me. Quiet, child. Quiet. Suresh. Huh? मुझे यहाँ देख के आप कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। गुड इवनिंग सुरेश। गुड इवनिंग सर ब्रजभूषण। बस बेटा, इस घर में तहजीब का पूरा ख्याल रखा जाता है। बैठो। होली मोसेस, लुलू की आवाज कुछ कमजोर मालूम हो रही है। सर्दी का असर तो नहीं है? ओह नो बीबी, रीता से मिलो सुरेश, हमारे खानदान की नई मेंबर। ये दरअसल मैं किसी दूसरे मेंबर से मिलने आया था, आपकी बेटी से। बॉय। यस सर। छोटा मैन साहब से बोलो कि उनका साहब उनको सलाम देता है। मैं देहरादून से आ रहा हूं। I see. आप लोगों के हुक्म के मुताबिक वहां मुझे पम्मी से नहीं मिलने दिया गया। आई एम श्योर डियर, लुलू को जरूर सर्दी हो गई है, वरना इसकी आवाज। डोंट बी अब्सर्ड बीबी, सुबह शाम मैं अपने हाथों से इसे ब्रांडी देती हूँ। रियली? बीस्टली वेदर माय डियर। बॉम्बे का मौसम कैसा है सुरेश? मैं 800 मील दूर मौसम का हाल सुनाने नहीं आया हूं। मम्मी के बारे में आप लोगों से कुछ तय करना है मुझे। What a pity. तुमने बेकार वक्त बर्बाद किया है। इस मामले में हमें जो कुछ तय करना था बरसों पहले कर चुके हैं। बरसों पहले आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़ा, लेकिन अब मम्मी को आप लोग जबरदस्ती क्यों छीन रहे मुझसे? अब तुम ये भूलते हो सुरेश कि मम्मी अपनी माँ के साथ बरसों से हमारे साथ रहती। वो इसलिए कि एक छोटी बच्ची को हमेशा मां की जरूरत होती है, लेकिन अब मेरी बच्ची मेरे साथ रहेगी। नॉनसेंस सर, बी बी वर्मा की निवासी फिल्मों के गंदे माहौल में रहे, इम्पॉसिबल। हम जैसा बदनसीब दुनिया में कोई भी ना होगा सुरेश। ऊंची सोसाइटी में हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारी बेटी शादीशुदा है, क्योंकि तब लोग हमसे पूछते हैं कि इसका शौहर क्या काम करता है। डियर मी, शादी से पहले हमें क्यों ना मालूम हुआ कि एक दिन तुम फिल्म में जाओगे। समझ भी नहीं आता, मैं पूछता हूं आप लोग फिल्म लाइन को इतना बुरा क्यों समझते हैं? लुक सुरेश, इस घर में सिर्फ अच्छी चीजों का जिक्र होता है, वाहियात चीजों का नहीं। कुछ और बात करो। तो फिर मेरी आखिरी बात भी सुन लीजिए, कोई भी पम्मी को मुझसे नहीं छीन सकता, ना आप ना आपकी बेटी। अदालत का दरवाजा सबके लिए खुला है, कोशिश कर देखो। क्या घरेलू झगड़े आप अदालत तक ले जाना चाहते हैं? Well, ब्रिटिश इंसाफ पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, जो कुछ भी तय करना है मैं बिना से तय करना।
चैप ओल्ड चैप, इस चिड़ियाघर में जो दर्द सर होता है उसको दूर करने का बेस्ट फॉर्मूला, बेहतरीन नुस्खा ब्रांडी। ओ नो 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 नो, तरकीब इस्तेमाल पहले सुन लो। बुढ़े से मिलने का है एक गोट, बुढ़े से मिलने का है दो गोट, और अगर कहीं बीना से मिलने का है, माय गॉड, पूरी बॉटल भी कम है। वेल डिड यू मीट बीना? उसने मिलने से इनकार कर दिया। ओ वुमन आफ्टर ऑल, वुमन, इन औरतों के साथ जिंदगी गुजारना क्या होता है, रॉकी से पूछो। तुम तो साल में सिर्फ एक बार आते हो, मुझे देखो 35 की उम्र है, औरत के साथ जिंदगी गुजारते हुए पूरे 36 साल हो गए, 36 years, सॉरी। Come on, jump in. कहाँ जा रहे हो? क्लब। रास्ते में जिमी को भी देख लेंगे, पुअर जिमी बहुत बीमार है। रेमो, कैसी तबीयत है जिमी की? अब तो ठीक है साहब, डॉक्टर साहब ने पूरा 1.5 शेर चना दिया है खाने के लिए। वंडरफुल जिमी बॉय। ये तो अच्छा वाला नजर आ रहा है। डॉक्टर सिंह के इलाज को जवाब नहीं है, किधर है डॉक्टर सिंह? यस, यस 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 यस। मैंने डॉक्टर सिंह को याद किया था, ब्लाउज वाले ने कमीज वाले। मैं उन्हीं कमीज वाले डॉक्टर सिंह की बेटी मिस जूलियट से। अगर आप मिस्टर राकेश हैं, तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दिस इज नॉट गौरे का हाथ। वेल, आपका पैप किधर है? पैप? यस पापा। ओ, आज वो नहीं है। जिमी का इलाज मैंने ही किया है। आपने? जी हाँ मैंने, और मजबूरन कुछ दिन तक मुझे ही आना होगा क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। I mean your Anna, देखो ना आपके आते ही जिमी ठीक होने लगा और हम चलो। आपके पापा को टाइफाइड हो गया ना, 40 दिन वाला? जी नहीं, जुकाम हो गया है 2 दिन वाला। Only 2 days वाला? Even then, घोड़े के अस्तबल में आने को नहीं सकता है, घोड़ा लोग छींक मारेगा। Then काम हो गया आपको? मेरा मतलब था कुछ अजीब सा मौसम हो गया है। माफ कीजिएगा, आप कहीं घूमगी? मेरा नाम पूछना बेकार है, आज शाम का खाना मैं हॉस्टल में खाऊंगी, मुझे सिनेमा में देखने का कोई शौक नहीं। जी जी,
लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही? इसलिए कि आजकल के जेंटलमैनों के बारे में यही सुन रखा है, अगर किसी लड़की से अकेले में मुलाकात हो जाए तो नंबर एक हेलो, नंबर दो मौसम की बातचीत, नंबर तीन नाम पूछना, नंबर चार खाने या पिक्चर की दावत देना, नंबर पांच बस तब तो मैं आधा जेंटलमैन हूँ। डरिए नहीं, मैं नंबर दो के आगे नहीं बढ़ा करता। सचमुच? बिल्कुल। Then I'm so sorry, मैं आपको गलत। नंबर एक जुकाम, नंबर दो इतनी सर्दी, आप अपना गन कोट साथ क्यों नहीं लाए? सर्दी जुकाम मुफ्त मिलते हैं, गर्म कोट के लिए पैसे लगते हैं। हाँ ये लीजिए। आप लीजिए अभी। लेकिन आप? मुझे जुकाम नहीं होगा, थोड़ी सी बैंडी पी रखी। शराब पी रखी है? सुना है लोग शराब पी के बड़ी बदतमीजियां करते हैं। कुछ लोग दूसरों की बदतमीजियां भुलाने के लिए भी पी लेते हैं। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया, 20 मिनट में मुझे बंबई की गाड़ी पकड़नी। टैक्सी। सुनिए तो, मूसा के बच्चे, ये एक्स्ट्रा लाया या सड़क छा भिगम का पता लाया? अब क्या अगर सीधा सा मुझसे बिगड़ गया तो मैं उल्टे वस्त्र से तेरी हजामत कर दूंगा। इस बार संभाल लीजिए गुप्ता जी, आइंदा। गुड मॉर्निंग बॉस। शाम का। मॉर्निंग। हाय बॉस। मॉर्निंग। सर बैकग्राउंड की लाइटिंग रेडी है? गुड। क्रेन पे कैमरा चढ़ाओ और वहां से यहां ट्रक पर। ओके, लाइटिंग करो। मैं आया। अरे ओ, सब एक्स्ट्रा सेट पे चले गए हैं और तू यही जमी हुई है। बस अभी जाती हूँ मास्टर जी, मेरे बच्चे को संभालो। मैं पूछता हूँ गई क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं? बच्चा भूखा रो रहा था, मैं दूध पिला रही थी। तुझे बच्चे ही जन्ने से फुर्सत नहीं तो एक्स्ट्रा में काम करने क्यों आई? जी सरकार जी। जल्दी की कोई जरूरत नहीं, आप बच्चे को सुला के सकते आइए। इधर आ बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? शम्मी। शम्मी, ये लो। सेंसिबल डार्लिंग, बट हाउ कैन आई डॉग? क्या नाम का है? इस कंपनी में कौन मिस्टर सिन्हा फिल्म डायरेक्टर हैं? जी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पिछली शूटिंग के रशेस आ गए। लंच ब्रेक में थिएटर बुक करो। जी ये कोट, कोट है इसमें। कोट? जी हाँ, बरसात में, मेरा मतलब दिल्ली में आपने दिया था ना मुझे, वो बरगद के पेड़ के नीचे। बस ओ जी हाँ, आप यहाँ कोट वापस देने आई हैं? जी हाँ जी। नहीं, मैं काम की तलाश में बम्बई आई थी, कोट में आपका कार्ड और पता मिल गया तो यहाँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं शॉर्ट ले लूँ फिर आपसे बातें होंगी। गुप्ता इन्हें कुर्सी दो। आगा। 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 आगा।
अकेलेबल अकेलेबला यस बॉस Cut it. Okay. Lights off. Number 10 और number 11 print कर. बहुत अच्छा. साहब वो लड़की आई थी ना वो. अरे हाँ. कहाँ है वो? चली गई. ये कोर्ट और ये चिट्ठी छोड़ गई आपके नाम. चश्मा. बिंदर पढ़ो सर. ये क्या किया? ये गलत शॉट कैसे पिन कर दिया? चल, चलने दो। बिंदर, यही कह रहा। पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश थी मुझे। गुप्ता, ये लड़की जहाँ कहीं भी हो, फौरन बुला, फौरन। लेकिन साहब इतने बड़े शहर में जिसका नाम पता ना मालूम हो तो? नहीं मालूम तो मालूम करो, गली गली ढूंढो, शहर में ढिंढोरा पीटो, अखबारों में। अपना चेहरा प्रोफाइल में दिखाइए तनिक मुस्कुराइए दांत खराब होंगे शायद मैडम यतीमों की तरह चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है आप यहाँ हीरोइन बनने आई हैं या किसी का शौक बनाने राधी हीरोइन बनना कोई गुड़ियों का खेल नहीं अगर आप अपनी बट्टी भी नहीं दहला सकती तो जरा ले जाइए सुना दीजिए कहिए उस दुन दुनिया जी उस दुन दुनिया मैं एक्टिंग नहीं कर सकती मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी उसे क्यों जबरदस्ती हिरन बनाना चाहते हो जबरदस्ती लड़की का चेहरा तो ठीक है लेकिन प्लेन फेस एब्सोल्युटली प्लेन श्रीमान चेहरे पर तनिक चंचलता भी तो होनी चाहिए अरे वो तो मुस्कुराना ही नहीं जानती अमां तो सुन दुनिया तक तो बोल नहीं सकती टैलेंट फिल्मों की हिरन बनाइए वो हिरन नहीं बनेगी मैंने एकदम तय कर लिया है एकदम गुप्ता लड़की का मेकअप करवा के सेट पे ले आओ क्या 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 आप लोगों को जो कुछ भी तय करना है टेस्ट के बाद तय कीजिए बिल्कुल वही हो तुम मुद्दत से मेरी आंखें इसी रूप की तलाश कर रही थी इसी रूप की जी वही सादगी वही भोलापन तुम सचमुच पारो जी मेरा नाम शांति है
शांति जी, जिसे आपने गर्म कोट दिया था, पारो कोई और होगी। हाँ, देवदास की हीरोइन है पारो, जो रोल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ओ, लेकिन आपने तो देख लिया, आपके साथी मुझे फेल कर चुके हैं। आप मुझे माफ कर दें तो अच्छा है, मुझसे एक्टिंग एक्टिंग नहीं होगी। मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ। किस हाल में? मेरा मतलब तुम क्या करती हो? काफी बड़ी नौकरी है, मॉडर्न केमिस्ट में 90 रुपए मिलते हैं, पूरे 10 कम 100। हमारी कंपनी में काम करने के लिए तुम जानती हो क्या मिलेगा? 1000। 1000 पूरे 10 गुना 100। बाप रे। अब तो एक्टिंग करोगी ना? ठहरी ठहरी, 1000 ठाट से जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा 150, बाकी नारे बाबा ना, अकेली लड़की इतने ढेर से पैसों का क्या करेगी? अकेली? तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदार? दूर के एक मामा है, मुझसे हमेशा दूर ही रहे, अनाथ आश्रम में पली हूँ। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? किताब कापियों के पैसे स्वेटर बुनकर कमा लिया करती थी मैं, उंगलियां तीलियों पे और नजर किताब पे, इसी तरह मैट्रिक पास कर लिया मैंने। शांति जी, जितना ज्यादा मैं तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही मुझे यकीन होता जाता है तुम बेहतरीन पारो बनोगी। इतना भरोसा है आपको मुझ पे? कह नहीं सकता कितना, सच मानो बेहतरीन पारो बनोगी। मुझ पे भरोसा कर सकती हो? कुछ अजीब सी बात है, जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपने आप से ज्यादा किसी दूसरे पे भरोसा है। ये लो, पारो के डायलॉग्स हैं। जिमी, अपना जिमी जीतेगा ये रेस, फुल ट्राई। राकेश, अपने नए हीरोइन से मिलो। मिस शांति, मिस्टर राकेश, इन्हें आप जानते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप देखे बहुत ऊंचे रहीस। ज्यादा ऊंचा नहीं, सिर्फ 5'8". मेरा मतलब था मिस्टर राकेश, करोड़पति है। ओ नो नो, कोई पतिवती नहीं, मुझको पति नाम से नफरत है। यूसी कुमारा ही मरना चाहता हूँ। बंबई में कहाँ ठहरे हो? सुरेश के साथ? नो, ताज में। ताज में? जब दिल्ली से बाहर निकला, आजादी के साथ रहता हूँ, आजादी के साथ। हाँ, आ गई मेरी आजादी। मिस जूलियट सिंह। हेलो हेलो। मेरे पास जितने बच्चे हैं उनकी हेल्थ ऑफिसर। हाउ नाइस, कितने बच्चे हैं आपके? 1 dozen, पिछले साल 8 थे और आपके 12। 12? ओह यस, 5 लाल और 7 काले। दुमदार बच्चे हैं इनके, 4 पैर वाले, जिसमें से एक बच्चा इस रेस में दौड़ेगा। व्हाट ए बच्चा। Rocky!
जालिम कहीं बम्बई में आए और हमको टेलीफोन कर दिया। रिश्ता टाइम हो गया मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो से ज्यादा पार्टियों में दिलचस्पी लेने लगी। यहाँ का रंग तुम पे इतनी जल्दी चढ़ जाएगा इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। सुनिए तो क्या खास सुनो, कल तुम्हारी शूटिंग पावो बनना है। एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की, तुम्हारे सर पे जंगली बेल लेके खास शूटिंग करूंगा। 10 दिन तक नहीं सुलझेगी। लेकिन मैं ना जानती थी वो लोग मेरा ये हुलिया। तुम शायद समझती हो बहुत खूबसूरत हुलिया बना रखा है तुमने। इस वक्त बंदरिया नजर आती हो, बंदरिया। जी जी, अच्छे खासे भोले भाले चेहरे का सत्यानाश कर डाला है तुमने। किसी के बहकावे में आने से पहले मुझसे तो पूछा होता कि तुम्हारे सादगी में कितनी कितनी कशिश थी। जी। और नहीं तो क्या, मजाक कर रहा हूं मैं? कौवे को हंस की चाल चलते सुना था, हंस को कौवे की चाल चलते पहली बार देखा। जाइए मौज कीजिए अपनी पार्टी में। अरे कैंटीन चले यार, अरे अभी तक सामान रखा नहीं ऊपर। 40 बिल दूध लेना ऑर्डर के लिए। सीधा साहब अभी आते होंगे, जल्दी करो। ये आराम से क्या करो तुम, चलो कर।
चलो 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 बहुत किधर है अभी आएगा आराम से आराम से। देखो तो ये लोग तैयार हुए नहीं। अच्छा जी ठीक है एकदम। इतनी जल्दी ने कैसे सुलझा लिया? सारी रात लगी रही। सारी रात सोई नहीं बिल्कुल? आपने कहा था ना मुझे काम से ज्यादा पार्टियों में दिलचस्पी है। वो तो हम लोग तैयार हैं जी। मैंने तुम्हें काफी डांटा ना? बंदरिया कहा आपने मुझे। न जाने मैंने तुम्हें क्यों इतना डांटा। इससे पहले कभी किसी दूसरी हीरोइन को इस तरह से नहीं डांटा। किसी को भी नहीं? उन पे अक्सर झूला लेकिन डांटने का हौसला कभी नहीं हुआ। मैं बताऊं आप शरीफ है ना इसलिए। अच्छा जी हाँ कोई भी शरीफ आदमी पराई औरतों को नहीं डांट सकता। क्या सोच रहे हैं आप? कल तुमने मेरी डांट का काफी बुरा माना होगा। अब मैं आपकी डांट का कभी नहीं बुरा मानूंगी। काफी समझ गई हूँ आपको। क्या समझ गई हो? यही कि आप अखरोट जैसे हैं। ऊपर से सख्त भीतर से नरम। Sun.
गए माने ना सुने ना माने ना 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 लगते हैं झोंके सन सन जहरी चढ़ी दिली ये पवन जैसे दिली ये पवन पवन जसती है जैसे नागन मार डाला हेलो जी हाँ है मुमसा सोने दो मुझे 11:30 बज चुके हैं बॉम्बे से ट्रंक कॉल आया है हाँ ट्रंक कॉल ओ व्हाट अ टॉर्चर यस स्पीकिंग क्या सुरेश का एक्सीडेंट ओह बड़ा अफसोस हुआ सुन के कैसी हालत अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो उन्हें फौरन प्लेन से यहां भेज दीजिए यहां उनकी हर तरह देखभाल की जाएगी जी जी नहीं मैं वहां नहीं आ सकती मैंने आपसे कह दिया ना मैं वहां नहीं आ सकती ये बिल्कुल नामुमकिन है जी क्या हुआ मिसेस सिन्हा नहीं आएंगी नहीं ताज्जुब है ऐसे मौके पे सिन्हा साहब का कोई अपना इनके पास रह सकता तो खैर वैसे तो एक नर्स 24 घंटे इनके पास रहेगी मैंने उन्हें मॉर्फिया का इंजेक्शन दे दिया है उन्हें 10-12 घंटे आराम करने दीजिए जी बहुत अच्छा चलो डाली चलिए नर्स सिन्हा साहब को होश आते ही मुझे टेलीफोन कर देना शांति शांति मैं तुम्हें घर छोड़ दूं जी जी नहीं मैं टैक्सी मंगवा चुकी हूँ आप लोग जाइए मैं चली जाऊंगी अच्छा कहाँ चली गई थी नर्स जी मैम मुझे किसी का मोहताज होना पसंद नहीं लेकिन इन आंखों ने इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई और भी तो नहीं जो मेरी देखभाल कर सके बाहर बारिश हो रही है क्या जी इसी कमरे में रहने दो मुझे बारिश की आवाज अच्छी लगी
उस रोज भी बारिश थी, उस बेचारे के पास कोट भी नहीं था। नर्स, शांति कैसी है? उस एक्सीडेंट में वो भी तो थी मेरे साथ। मैं अब भी आपके साथ हूँ। कौन? शांति? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? बिल्कुल, यही छिपाने। अरे हाँ, ये तुमने कैसे जाना कि मुझे प्यास लगी थी? आपको पानी पिए 13 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, और मैं जानती हूँ आपको 2-2 घंटे से पानी पीने की आदत है। नौकर चाकर कहाँ हैं? सब सो रहे हैं, रात के 2 बज चुके। रात काफी हो चुकी है शांति, ड्राइवर से कह दो तुम घर छोड़ा है। आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ ठहरूं? चाहता तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। तो फिर मुझे जाने के लिए ना कहिए। नहीं, तुम्हारा जाना ही ठीक है। शांति, शांति। क्या है? कुछ नहीं। वो आ गई। तुम लोग हंसते क्यों? तुम्हारे डैडी की तारीफ लिखी है इस मैगजीन में। अच्छा, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो ना, पूछते क्या हो? मशहूर डायरेक्टर सुरेश सिन्हा ने हमारे लिए एक नई हीरोइन चुनी है। सुना है कि ये लड़की पहले दवाइयाँ बेचा करती थी और अब वो मिस्टर सिन्हा के दिल का इलाज कर रही है। उम्मीद है कि उसकी हर तरह की दवाइयों की मालूमात से मिस्टर सिन्हा पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। क्या मतलब है? किसान छोड़ो, मेरे डैडी ऐसे नहीं है। हमेशा तो अपने डैडी से अलग रही हो, फिर तुम क्या जाना तुम्हारे डैडी कैसे हैं? मैं जानती हूँ, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ जानती हो? ये बताओ आजकल कौन सी पिक्चर बना रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। उनकी नई हीरोइन का क्या नाम है? मुझे ये भी नहीं मालूम। तुम्हारी मम्मी उनके साथ क्यों नहीं रहती? मुझे नहीं मालूम। अपने डैडी का नाम नहीं मालूम है? क्या वो भी नहीं? क्या क्या कहा तूने? मैं तेरा मुंह Watch all this. You should be ashamed of yourself. शांति, अभी तक तो कोई स्टूडियो में नहीं आया, तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई?
आप भी तो चले आए इतनी जल्दी। वो तो मेरी आदत है कि शूटिंग से एक आध घंटे पहले। मुझे मालूम है। अच्छा और क्या मन है तुम्हें मेरे बारे में? सब कुछ। शायद इसीलिए उस रात के बाद तुम मेरा हाल मालूम करने नहीं आई। आप ही ने तो मना किया था। चले जाने के लिए कहा था, दूसरे दिन आने से तो नहीं मना किया था। तो आप चाहते थे कि मैं आऊं? ये स्वेटर किसके लिए बुन रही है? है कोई मिस्टर कोई या मिस कोई? मिस्टर कोई। लेकिन तुमने तो कभी कहा था दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो फिर ये कोई? मेरे ही जैसे हैं, बिल्कुल अकेले। शांति, तुम शायद नहीं जानती कि मैं मुद्दत से बाल बच्चे था। मैं जानती हूं। नहीं चल पड़े मगर रास्ता।
Yes, Pep. Morning, Pep. Morning. Morning, Mom. Good morning, son. Stop it, Tiger. Stop it, Tiger. Suna nahi mami kya bola? Naughty boy. Rocky, there is something I wanted to ask you. Oh yes, tumhare wo Bombay ke stables ke baare mein. Hear me, Bibi, dekho to zara. Chalo pop. Sit down, Rocky. Yes, dear. Ajeeb aadmi hai. Aadhi shakal par daadi hai, aadhi par nahi. No wonder, my dear. Niche dekho kya likha hai. Film walon ki tasveer hai. There you are, pop. Cheap people, film wallers. That's right, son. आप कुछ कहना चाहते थे पैप? Oh yes, I wanted to say something. About Bombay? Oh yes, about Bombay. About Gauras? About Gauras. Rocky, तुम्हारे बॉम्बे के स्टेबल्स में I am quite sure कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है. किसे पापा? That funny man, इस अखबार में जिसका फोटो है. I am positive I have seen him somewhere. आप तो उसे रोज देखते हैं पापा. इस वक्त भी देख रहे हैं. Cheer you, Pap. Sit down, Rocky. शकल पर मूछ दाढ़ी पेंसिल से बनाई गई है. काम अधूरा क्यों छोड़ दिया रॉकी? यू, तुम्हारा फोटो है. How shocking. My smelling sorry. Smelling sorry. जितने शर्म की बात है पापा. सुरेश को हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, पराया खून है वो. लेकिन अब इस खानदान का बेटा भी फिल्म की तरफ जा रहा है. हमारा बेटा? यकीन नहीं आता. मां, जवाब दो पापा को. पहले तुम जवाब दो. तुम उन चीप फिल्म वालास के पास पहुंचे कैसे? टैक्सी से. होली मोसेस, सर बी वर्मा का बेटा एक तो घटिया फिल्म वालास के पास गया और वो भी एक मामूली टैक्सी में. वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो? वो लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं. दे जस्ट इग्नोर अस. इग्नोर एंड लुक. पापा, रॉकी इस एक्ट्रेस की तरफ किस नजर से देख रहा है? माय सन, आई कांट बिलीव इट. बिलीव मी पापा, शादी से पहले सुरेश भी मेरी तरफ ऐसी ही नजरों से देखा करता था. शादी से पहले सुरेश समझदार था. ही वॉज सेंसिबल पापा. बेवकूफी तो ये की कि तुम शादी की. रॉकी, टेक योर वर्ड्स बैक. अपने अल्फाज वापस लो. ओके, घर का मामला है, स्टॉक में जमा रहने दो, फिर कभी वापस ले लूंगा. चल यू टाटा.
कौन है आप? ये मेरे डैडी हैं। तुम्हारे डैडी यहाँ? तुमने सिर्फ मेरे डैडी का फोटो क्यों लगा रखा है? चुप क्यों? जवाब दो। और किसका फोटो लगाऊं? दुनिया में मेरा ना कोई रिश्तेदार है ना दोस्त सहेली, यानी मैं डैडी ही तुम्हारा सब कुछ है। कब आए तुम स्कूल से? अपने डैडी के पास कब तक रहोगी? पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। क्या क्या जवाब दूं? अभी तो तुम बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूं। स्कूल से भाग के सीधा तुम्हारे पास आई। क्या कोई बच्ची ये कर सकती है? भाग के आई हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाग के क्यों आई हो? तुमसे लड़ने। लड़ने? अच्छा अच्छा, जरूर लड़ना, लेकिन सफर में थकने के बाद अच्छी तरह कैसे लड़ सकोगी? चलो मुँह हाथ धो के कुछ मिठाई खा। मैं नहीं खाऊंगी मिठाई। खाई मुझे फुसला मत। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मम्मी की दुश्मन हो तुम, फिर तुम्हें उनकी बेटी से कैसे प्यार हो सकता है? अपने डैडी की भी तो बेटी हो तुम। और बेटी, मुझे तुम्हारी मम्मी से कोई दुश्मनी नहीं। तुम झूठ बोलती हो, तुम मेरे डैडी को मम्मी से छीन रही हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, समझी? तुम गलत समझ बैठी हो पम्मी। वो दोनों तो मेरे यहाँ आने के बहुत पहले से अलग रहते हैं। तब मैं छोटी थी इसलिए, अब मैं समझदार हो गई हूँ। मैं कोशिश करूँ तो उनमें मेल हो सकता है, लेकिन जब तक तुम बीच में हो उनमें मेल कभी ना होगा। मैं कहती हूँ तुम्हें गलत फहमी हो गई। तो फिर मेरे डैडी का इतना बड़ा फोटो यहाँ क्यों डाल रखा? बता। ये कहा ना, मेरे बच्ची ने सब समझती हो, खराब समझती हो तुम। अगर तुम्हारे माँ बाप अलग रहते हैं तो मेरा नहीं तुम्हारी माँ का कसूर है। मेरी मम्मी को बुरा भला कहने वाली तुम कौन होती हो? हमारे घर में जो कुछ भी हो हमारे घर की बात है। पढ़ाई जिंदगी में दखल देगा तुम्हें क्या है? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का तुम्हारे नहीं। सारी उम्र खिदमत की ठोकरें खाने के बाद पहली बार जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी मिली है। अधूरी खुशी ही सही, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ है। मैं किसी भी हालत में उसे नहीं गवा सकती, किसी भी हालत में। तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना? मेरे माँ बाप है, मम्मी का घर है, डैडी का घर है, और मेरा घर हॉस्टल। तीनों के घर अलग अलग है। मैं कोशिश में थी हम सबका घर एक हो जाए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करने दोगे। तुम क्या जानो माँ बाप के होते हुए एक अनाथों की जिंदगी गुजारना क्या होता। तो क्या डैडी, आज आपकी नई हीरोइन भी आएगी वहाँ? क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। Thank you.
एक दूसरे का और करीब हो जाइए। इधर देखिए। अब अपना वादा पूरा करेंगे ना। रेडी। समझदार लड़की नाम और दौलत को इस तरह नहीं झुकवा सकती। इम्पॉसिबल। मैंने तय कर लिया है, अब मैं पिक्चर में काम नहीं करूंगी। क्यों? अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। फिल्म लाइन में तुम्हारे नाम की धूम मची है और तुम जानबूझकर अपना जगमगाता हुआ भविष्य बर्बाद कर रही हो। बर्बाद अपना ही ना, किसी दूसरे का तो नहीं। दूसरे को मारो गोली। हर समझदार इंसान हमेशा अपना ही फायदा देखता है। नहीं नहीं देखो, मैं ये नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी के बराबर हो। मैं कहीं दूर चली जाऊँ। कभी ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। मैं अब काम नहीं करूंगी। मैं अब काम नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? मत भूलो कि तुमने 7 बरस का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया है। मैं अदालत में तुम पर दावा कर दूंगा। दावा। जो जी चाहे कीजिए, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकता? मैं तुम्हारी तुम्हार दुगनी कर दूंगा। तब भी नहीं। 3 गुनी। फिर भी नहीं। 4 गुनी। 100 गुनी भी नहीं। मुझे परेशान न कीजिए। आपका टेलीफोन है साहब। हेलो, यस स्पीकिंग। क्या मगर कैसे? शांति बंबई छोड़ के जा रही है। पम्मी, क्या शांति का टेलीफोन था? वो सेठ जी का टेलीफोन। मगर तुम क्यों घबरा गई? मैं क्यों घबराऊंगी? पहले कब मिली थी तुम शांति से? शांति से नहीं तो झूठ मत बोलो मुझसे। कल थिएटर में तुमने उससे कुछ वादा लिया था और आज वो काम काज घर बार सब कुछ छोड़ के जा रही है। यही वादा था ना वो? मैं तो क्या करती डैडी, अखबारों में आप दोनों के लिए ऐसी वैसी बातें छपती हैं, लोग आपकी बदनामी करते हैं, स्कूल में सहेलियां मुझे ताने देती हैं। अगर तुम्हें अपने डैडी से कोई शिकायत है तो मुझसे कहती। उस बेकसूर लड़की पे जुल्म करने का तुम्हें क्या हक था? डैडी, जिंदगी में पहली बार आपने मुझे डांटा। तुमने काम ही ऐसा किया। अभी अभी तुम बच्ची हो, चाहिए था पढ़ाई लिखाई में दिल लगाओ, उसके बजाय स्कूल से भाग के तुम बड़ों के मामले में दखल देती फिरती हो। कल तो आप मेरे स्कूल से भागने पर नाराज नहीं थे दादी, लेकिन आज आज कुछ बात यार।
आइए। काफी अच्छा फ्लैट मालूम होता है। जी। यहां तुम कई कई महीनों से रहती हो ना? 10। इतने महीनों बाद आप पहली बार मुझे मकान देखने आए हैं। नहीं मैं तुम जा रही हो? हाँ, मैं जाने से पहले आपको बताना चाहती थी, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ तुम क्यों जा रही हो। मुझे यकीन था आप जरूर समझ जाएंगे। हमने हमेशा एक दूसरे को समझा, है ना? हमेशा। कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? काश कि ऐसा ना होता। बात पड़ती ना आज तुम्हें सब कुछ छोड़ के यूं जाना पड़ता। इंसान हर चीज से दूर भाग सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं। सुनिए, stop it, Pammi, stop it! For heaven's sake, blow your nose. Here, मुझे बहती हुई नाक पसंद नहीं। Pammi! Well, I knew it. मुझे मालूम था कि तुम ही पम्मी को बहका कर यहां ले आया। बैठिए। No, thank you. मेरे पास वक्त नहीं है। मैं फौरन पम्मी को ले जाना चाहता हूं यहां से। जी? Yes, Pammi. Daddy. आप इसे नहीं ले जा सकते। What nonsense! मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे? मैं, और जरूरत हुई तो जबरदस्ती। Really? सुरेश, मैं कहता हूं सर बीबी वर्मा से टकराने का नतीजा अच्छा ना होगा। मुझे परवाह नहीं। आई एम वार्निंग यू सुरेश, मैं मुकदमा चलाऊंगा तुम पर, पुलिस लाऊंगा तुम्हारे। और ही चाहे कीजिए, मेरी बच्ची को अब कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। Well, फिर मत कहना कि खबरदार ना किया। इस अदालत का ख्याल है कि प्रमिला की उम्र अभी इतनी नहीं कि वो अपना भला बुरा समझ सके, लिहाजा अदालत को यही तय करना है कि किसके साथ रहने में उसका भला है, मां के साथ या बाप के साथ। मिस्टर सिन्हा, कब से आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती? जब से उसकी मां ने मेरा घर छोड़ा, 9 साल हो गए। और आप बेटी को साथ रखना चाहते हैं? जी। नौकर चाकर के अलावा घर में आप बिल्कुल अकेले रहते हैं? जी। मिस्टर सिन्हा, क्या आप अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर लेंगे? जरूर कर लूंगा। कैसे? शूटिंग और एडिटिंग के सिलसिले में सारी सारी रात आपको स्टूडियो में रहना पड़ता है, फिर आपकी बेटी की देखभाल कौन करेगा? भरोसे वाले नौकर चाकर है घर में। जब आपको आउटडोर शूटिंग के लिए बंबई से 2-2 महीने बाहर रहना पड़ता है, तभी आप मम्मी को नौकरों के भरोसे पर छोड़ देंगे? तब मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूं।
लेकिन मिस्टर सिन्हा, तब आपको उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा और इस उम्र में उसे पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है। बाप की भी तो जरूरत है मिलोर्ड, और मुझे भी अपनी बेटी की जरूरत है। इससे पहले आपने उसकी जरूरत नहीं महसूस की? हमेशा महसूस की। नौ बरस से मैं अकेला रहता हूं, पहले कादर सी हो गई थी, लेकिन अब वही अकेलापन एक बोझ बन गया है। इतना अकेलापन मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया मिलोर्ड। अगर पम्मी भी मुझसे छीन ली गई तो? मिस्टर सिन्हा, अदालत के सामने इस वक्त आपका नहीं पम्मी की भलाई का सवाल है। आप दोनों मियां बीवी के झगड़े में अगर उसे बाप का साथ मिलता है तो माँ का नहीं, और माँ का मिलता है तो बाप का नहीं। बेटी की भलाई के लिए आप दोनों सुलह क्यों निकल लेते? मिलोर्ड, उसी के भले के लिए मैं कभी सुलह नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि फिल्मों के गंदे माहौल का असर मेरी बेटी पर पड़े। अदालत को अफसोस है कि प्रमिला के मां बाप में सुलह न हो सकी, इसलिए प्रमिला की भलाई को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि उसकी देखभाल मां के सुपुर्द की जाए। अरे भाई 11 बज गए, साहब अभी तक तैयार नहीं हुए, आज शूटिंग है उनकी। सकता है बॉय, उधर सिन्हा साहब का टाइम गया, इधर तुम्हारा नंबर गया। जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा। जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, डालो कहीं पे भी डेरा। सड़कों पे गाओ सीटी बजाओ, कर दो कहीं भी सवेरा। वाह 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 वाह, हम तुम जिस कहता है शादी, दोनों है पूरा बर्बादी। जो तुम लल जाओगे पीछे पछताओगे, मांग जाएगी आजादी। जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी। जिस घर में हम रख दें कदम, होती है क्या खातिरदारी। शादी जो की छुट्टी हुई, सूरत ना देखेगी पारी। ओ नो 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 नो, हम तुम जिस कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी।
जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे मांगो जाएगी आजादी। सब कुछ है यारों के धम से रंगीनियां ये मस्तियां सब कुछ है यारों के धम से। किस्मत की बात खुशियां हैं साथ दुनिया क्यों जलती है हमसे। वाह 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 हम तुम जिस कहता है शादी यू नो है पूरा बर्बादी। जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे मान लो जाएगी आजादी। मिस्टर आयर डिड यू हियर आज का सीन लो। सीन साहब आपको शायद याद नहीं आज तो गाने की शूटिंग है। जी हाँ वैसे मैंने अपनी तरफ से सब तैयार कर रखा है रिहर्स भी कर लिया है अगर आप देखना पसंद करें तो। जरूरत नहीं टेक करो। बिंदा साहब लाइटिंग रेडी रेडी बैठ आइए कुछ कर लो। रेडी यस सर रेडी लाइट्स क्लेपर क्लेपला स्टार्ट प्लेबैक 1 2 उल्टे सीधे अरे दांव लगाए हंस हंस फेंका पासा उल्टे सीधे दांव लगाए हंस हंस फेंका पासा हर भाग की चाल भी देख दीवाने कैसा तुझको फांसा रे कैसा तुझको फांसा। हार कभी जीत कभी काहे का रोना रे हार कभी जीत कभी काहे का अरे काहे का रोना रे काहे का रोना रे हार कभी जीत कभी काहे का रोना रे हार कभी जीत कभी। कट 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 back up अरे भाग जा भाग महान संतरे तुम लोग कहां भागे जा रहे हो यहीं तक पुलिस को खबर कर हां पुलिस अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो जाओ पुलिस को खबर करो पुलिस को जाओ 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 क्या बात बात आज आपकी पिक्चर की वजह से मेरे थिएटर की खैर नहीं है Thank you.
कि हमें ये कंडम पिक्चर दी है। ऐसी पिक्चर दी है, वैसा इसे इनाम मिलना चाहिए। चार और पांच, छह और सात, आठ और नौ, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें सौ। एक दो तीन, चार और पांच, छह और सात, आठ और नौ, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें सौ। एक दो तीन, चार और पांच, छह और सात, आठ और नौ, नौ ने कहा आठ क्या, अरे छोटे का ठाट क्या, आठ हसा सात पे तुफ तेरी जात पे, सात ये बोला छह से तू हसा कैसे। नौ ने कहा आठ क्या, छोटे का ठाट क्या, आठ हसा सात पे तुफ तेरी जात पे, सात ये बोला छह से तू हसा कैसे। अकड़ अकड़ के, बिगड़ बिगड़ के, झगड़ा झंझट खिट खिट करके, सबने सबको फटकारा, रह गया सबका मुंह तकता, सबसे छोटा एक बेचारा। बात बनाई, सात ने रंगी जाल बिछाए, छह ने सौ तूफान उठाए, एक को जब दस बनते देखा, सबने सिफर को रोका टोका, नौ ने प्यार से आंख मिलाई, आठ ने सौ सौ बात बनाई, नौ ने प्यार से आंख मिलाई, सात ने रंगी जाल बिछाए, छह ने सौ तूफान उठाए, घटा घटा के, मिटा मिटा के, सिफर को एक से दूर हटा के, छीना एक दूजे का सहारा।
तुम्हारी पिछली पिक्चर भी फेल हो चुकी है सुरेश। हाँ ये खबर मैं पहले भी सुन चुका हूं। मैंने तुम्हें यह खबर सुनाने नहीं बल्कि इस खबर का नतीजा सुनाने के लिए यहां बुलाया है। मैं जानता हूं आपको 5-7 लाख का नुकसान हुआ है। आप फिक्र न करें, मेरी अगली पिक्चर में आप इससे भी ज्यादा कमा लेंगे। जरूर कमाएंगे, इस बात का हमने पूरा इंतजाम कर लिया। इतनी जल्दी? अभी तक तो मैंने कोई कहानी भी तय। आप फिक्र न कीजिए जनाब, मैंने कहानी तैयार कर ली है। तो फिर कभी सुनाइए, पहले वो मुझे पसंद। तुम्हारे पसंद करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी तुम्हें लिख कर दिया जाएगा तुम्हें वही शूट करना होगा। एक लफ्ज भी नहीं बदल सकोगे, एक लफ्ज। क्या? जी हाँ, गाने म्यूजिक किसी भी चीज में तुम्हारा दखल नहीं रहेगा। सारा इंतजाम हम खुद करेंगे, खुद। आप? आप मुझे इस तरह जलील करके पिक्चर नहीं बनवा सकते। सारा इंतजाम खुद करना है तो फिर पिक्चर भी किसी और से बनवा लीजिए। वो इंतजाम भी कर लिया है हमने। दरअसल तुम अब हमारी पिक्चरें बनाने के काबिल ही नहीं रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा? मेरी पिक्चरों से लाखों रुपए कमाए हैं आपने और मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा? तुम कामयाब थे लेकिन अब नहीं। ये फिल्म लाइन है सुरेश, सिर्फ तुम अकेले की खातिर मैं कंपनी के 500 आदमियों पर जुल्म नहीं कर सकता। दिमागी तौर पे तुम हद हो चुके हो, अब शायद तुम कभी भी कामयाब पिक्चर नहीं बना सकोगे। मैं खत्म नहीं हुआ, मैं साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ थक गया हूं। हर तरफ की कशमकश, अंदरूनी बेचैनी, बेशुमार फिक्रों का बोझ कोई कब तक ला दे। आपका नाम? और मेरी ओल्ड टेबल में 5 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 11, 12 रुपया, 13, 14 रुपया, 15 रुपया, 16, 17 रुपया, 17 रुपया। नीलाम की नौबत तो आनी ही थी, आखिर कब तक ना आती। काम से निकाले जाने के बाद 2 बरस गुजर चुके हैं। 2 बरस, इन 2 बरसों में इन्होंने काम हासिल करने की न जाने कितनी कोशिश की मगर काम न मिला। और मिलता भी कैसे, फिल्मी दुनिया में इंसान एक बार गिरा तो गिरता ही जाता है। अब इन्हें कोई भी नहीं पूछता, न काम देखने वाले और न ही काम देने वाले। काम देखने वाले इन्हें भूल चुके हैं और काम देने वाले इन्हें भूलते जा रहे हैं। फिल्म लाइन की यही रीत है, नाम और शोहरत मिलते भले ही देर लग जाए, नाम और निशान मिटते देर नहीं लगती। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मेरे लिए भी, आज मैं शांति के खिलाफ मुकदमा जीत गया पूरे 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? What a slow race. Anyway, जीते तो आप क्या भाव मिलेगा? बहुत बड़ा, शांति को फिर काम पे वापस आना पड़ेगा। Impossible, impossible. शांति काम पर नहीं आएगी लेकिन वो मुकदमा जो हार चुकी है
पिछले दिनों जब मैं दिल्ली में था पता चला कि सुरेश के घर नीराम हो गया, आप बोली लगाने नहीं गए? जी नहीं। व्हाट डू यू थिंक शांति, अब भी आपकी कंपनी में वापस आएगी? शांति आए या ना उससे तुम्हें क्या? देखा, औरत के दिमाग दो थोड़ा कम। क्या? आई मीन टू से हल्का फुल्का फूल के माफक। एक्सक्यूज मी, मैं जरा दो बात। चलो राकेश जी। हेलो शांति, व्हाट अ सरप्राइज। नीचे रखो। आप यहाँ कैसे? वेल शिकार। और आप? यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई सी, लवली। कहाँ से आ रहे हो? बॉम्बे। रेस का सीजन अभी अभी खत्म हुआ। ओह यस, लास्ट रेस में आपको वो कंपनी के मालिक से डेरा दे यू आर उनसे मुलाकात हुई। पता चला कि आप केस हार चुकी हैं, इसलिए आपको काम पे वापस जाना पड़ेगा क्या? और क्या खबरें हैं बम्बई की? और पूरे सालों गोली से उड़ा दिया गया। कौन? मोती चैंपियन गोरा, ट्रेजेडी ऑफ द ईयर। अपने मालिक को लाखों रुपया कमा के दिया, लास्ट रेस में टांग टूट गया, शॉट डेड। क्यों? यू नो, तीन टांग का गोरा यूजलेस, बेकार। दौलत का बाजार इसी तरह चलता है, जिसके दम पे लाखों कमाए जाए, जरा नाम हुआ एक तरफ उठा के फेंक दिया। मेरा ख्याल है ना आप यहाँ शिकार के लिए हैं ना घोड़ों की बातें करने, तो फिर आप खुल के क्यों नहीं बातें करते? सुरेश को भी फिल्म लाइन ने एक तरफ उठा के फेंक दिया है जी। यस, आप अगर काम पे वापस लौट जाए तो सेठ जी सुरेश को डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं, मुझसे प्रॉमिस किया है। क्या जवाब है? जवाब की जरूरत है? नो, थैंक यू। सेठ जी ने मुझे वापस बुला ही लिया। तुरंत बुलवाया है, फौरन से पेशतर बुलाया है। मेरा ख्याल है मैं सेठ जी को गलत समझा, वो दिल के बुरे नहीं, मैं खुश हूं। आखिर उन्हें मेरी जरूरत महसूस हुई। और कुछ कर देंगे? कोई हर्ज नहीं। जो पिक्चर आप डायरेक्ट करेंगे उसकी हीरोइन शांति देवी होगी। शांति? जी हाँ, शायद वो केस हार के भी वापस न लौटती, लेकिन फिर कैसे आई ये हम आपको नहीं बता सकते। क्योंकि अगर हमने बता दिया तो आप हमारे साथ चलने से इनकार कर देंगे। और हम आए हैं आपको साथ ले जाने ही के लिए। तो कैसे बता सकते हैं? क्या बात है साहब? बिल 1 रुपया 13 आना। और
अरे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? सुरेश नहीं आया, क्या कहा उसने? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। अरे शांति, देखा तुमने, अब और हम क्या कर सकते हैं? जो इंसान अपना दुश्मन खुद हो, उसकी तुम या हम कहां तक मदद कर सकते हैं, कहां तक? गलत ना समझो, इस कंपनी के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। तुम वापस आ गई हो, देखना वो भी एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। आएगा पसंद आया मेरा नया फ्लैट? सब कुछ है यहाँ, धूप और बरसात से बचने के लिए छत, सोने के लिए फर्श। अरे तुम खड़ी हो, ठहरो ठहरो, ये लो एकदम नए डिजाइन का सोफा, शहर के और किसी रईस के पास नहीं होगा। बैठो। अब भी तुम स्वेटर बुना करती हो? ये आखिरी स्वेटर था, लेकिन अब फिर से बुनना शुरू कर दूंगी। एक मुद्दत के बाद तुम वापस आई, तुम्हारे लौटने खुशी में। खुशी के मौके पर लोग जहर तो नहीं पिया करते? जहर नहीं पिया करते? क्या तुम्हारी नई पिक्चर का डायलॉग है ये? न ये जहर है न अमृत, शराब है। जिन्हें नशे में रहने की पुरानी आदत है, उनकी आखिरी उम्मीद शोहरत, कामयाबी का नशा, दौलत और मोहब्बत का नशा। जब ये सारे नशे दूर हो जाते हैं तो लोग इसका सहारा ढूंढते हैं। सेठ जी एक बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत है या तुम्हारी? मुझसे कहीं ज्यादा आपकी। देखो शांति, हमने हमेशा एक दूसरे को समझा है, इसलिए इनकार ना करो। मैं जानता हूं सिर्फ मुझे काम दिलाने के लिए तुम वापस लौटे। सिर्फ आपके लिए मैं क्यों लौटूंगी भला? आप मेरे कौन लगते हैं? अभी आपने ठीक ही कहा, नाम और दौलत का नशा जबरदस्त नशा होता है। इन्हीं चीजों के लिए तुम वापस लौटी हो, आपके लिए नहीं। अगर तुम अच्छी आर्टिस्ट हो शांति, तो मैं भी डायरेक्टर बुरा नहीं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मैं जानती हूँ आपके डायरेक्शन में मैं जितना अच्छा काम कर सकूंगी किसी और के डायरेक्शन में नहीं। आपकी कंपनी वापस आने में बस इतनी दिलचस्पी है मुझे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। मुद्दत के बाद किसी ने मेरे डायरेक्शन की कदर की, इसे खुशी के मौके पे एक दौर और हो जाए। और ना पीजिए, मैं कहती हूँ और ना पीजिए। खुशी का मौका है शांति, पीने दो मुझे। नहीं नहीं, ये चीज आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगी, मैं हरगिज नहीं पीने दूंगा आपको। लेकिन तुम मुझे क्यों रोकती हो? कौन लगता हूँ मैं तुम्हारा?
हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझ सकते शायद। तुम तो जानती हो सब कुछ खो देने के बाद सिर्फ एक ही चीज बची है मेरे पास, मेरी खुददारी। इस वक्त मैं वो खुददारी तुम्हारे हवाले करता हूं। अब तुम चाहो तो मुझे सेठ जी के पास ले जा सकती हो। क्या फैसला है तुम्हारा? साथ चलो। काम मंदा है, उधारी के रोकड़ा मिलते तेरे सारे पैसे दे दूंगा। आप अभी तक ये चोपड़ी लिए बैठे हैं, ये हिसाब किताब तो होता ही रहेगा। चलिए खाना खा लीजिए। तुमने मुझे यहाँ सर छुपाने की जगह दी है, इस एहसान के बदले ये छोटा मोटा काम। कैसी बातें करते हैं साहब, परसों नमक खाया है आपका, आप ही इस गैरेज के मालिक हैं। साहब बेबी, बेबी आई है साहब। मम्मी देखिए ना कितनी बड़ी हो रही है। उसे न कहना मेरी हालत, उसे कुछ न कहना। अन्ना देखो पिछली बिल में हवा कम है, फीस कर दो। सलाम बेबी। अनवर, अरे तू, अनवर तू, ये गैरेज तुम्हारा है? जी। अनवर डैडी कहाँ है, उनका पता ठिकाना कुछ मालूम है? जी जी नहीं, बहुत दिनों से उन्हें नहीं देखा। कुछ तो सुना होगा उनके बारे में, मैं उन्हें को ढूंढने आई थी। बेबी आपको ले जाने के लिए आई थी साहब, उनकी शादी होने वाली है। शादी? मम्मी की शादी? मेरी बेटी की शादी? दिया है मैंने सब कुछ,
तो फिर अब, अरे हाँ, तुम्हारे डैडी का मकान खरीद लिया था मैंने, चाहो तो वो भी। जी नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ डैडी का पता पूछने आई हूँ। उनका पता जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं। जब वो खुद ही अपना पता नहीं जानते तो फिर मैं क्या बताऊं? फिर भी कुछ तो बताइए, पिछली बार आप उनसे कहाँ मिली, कब मिली? या परसों, शायद पिछले हफ्ते, नहीं नहीं पिछले महीने, याद नहीं आता। दिन आते हैं, जाते हैं, याद नहीं रहते पिछली यादों के सिवा। अब तो कुछ भी याद नहीं रहता है। आप एक्स्ट्रा लोगों में काम करोगे? हाँ मूसा, मुझे एक तोहफा खरीदना है। मूसा, मेरा मेकअप करा दोगे ना? मेरी बेटी की शादी है। अजी कह दिया ना, आपका काम हो जाए। क्यों, दोस्ती वो जो बकत पे काम आए। वाह वाह वाह, क्या बात कही, दोस्ती वो जो पीने पिलाने के वक्त पे काम आए। जानते हैं किसे पिला रहे हैं मूसा से? तूने देवदास पिक्चर देखी थी? देवदास? कौन से एक्स्ट्रा का रोल किया था भाई ने? अबे गधे, एक्स्ट्रा नहीं, ये उस पिक्चर के डायरेक्टर है। डायरेक्टर है? डायरेक्टर? अबे गधा मैं नहीं, तू है। क्या कहा? मैं कहता हूँ गधा तू है। अरे तू फिर से कहो। गधा तू है। तू गधा है? अबे ओ चलना सीधी तरह, दारू पी के धंधा करता है। साहब आप? और इस घटिया जगह पाए गए? अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए साहब, घर जाइए। कौन था ये बड़े नामी फिल्म डायरेक्टर थे भैया? क्या दिन थे इनके, पर इस फिल्म में इनका कोई भरोसा नहीं। जो कल आसमान पे थे आज हेडक्वार्टर तक पहुंच गए। ए भाई लोग, चलो उठो, देखो पहले चलो जल्दी। ए सुना नहीं क्या? चलो उठ, मेकअप कर, चल जल्दी। लाइट ऑफ। रेडी बॉस। गोपाल एक्स्ट्रा बोला। यस सर।
ऐ इधर आ। लैला गायब किया है? चला गोपाल डायलॉग बोल लेगा ना ये? हाँ जी। इधर बैठा सर झुका। डायलॉग गायब किया है? चलो बोलो। मुझे भी शांति की तलाश है अमर शांति। मैडम आइए। अरे एक लाइट देना खबर आवाज दे। हेलो रेडी मैडम? बाबा जिनके लिए संसार की सब राहें बंद हो चुकी हो वही भूले भटके यहाँ आते हैं। क्या तुम भी अपनी राह से भटक चुके हो बाबा? अरे मुंह क्या देखना है? अरे बोल अपना। मैडम आप फिर से क्यों दीजिए? क्या तुम भी अपनी राह से भटक चुके हो बाबा? हे गोपाल किस बेवकूफ को पकड़ के ले आए हो? चलो निकल इसे बाहर, किसी दूसरे एक्स्ट्रा को बुलाओ। हे निकल बाहर। कंपनी की चादर कहां लेके जाता है? सामान अपना फेंक रहा। बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखे जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी।
प्याले के मिले अब दुनिया से आंसू के सिवा कुछ पास नहीं फूल ही फूल थे दामन में या कांटों की भी आस नहीं मतलब की दुनिया है सारी बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी बारी अरे देखी जमाने कियारी बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़े सभी बारी बारी बिल्कुल वैसा ही वैसा अरे डायरेक्टर की कुर्सी पे ये कौन बैठा है लंच ब्रेक में दरवाजा बंद कर दिया था ना फिर ये अंदर कैसे आ गया सिन्हा साहब अरे क्या भीड़ लगा रखी है उठाओ इसे आज हीरोइन की आखिरी डेट है 6:30 बजे तक काम खत्म होना ही चाहिए मेरा मुंह क्या देख रहे हो मुर्दा पहले कभी नहीं देखा ले जाओ इसे लाइट लाइट ऑन